आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1.42 लाख कोरोना केस, कल के मुकाबले 21% ज्यादा आए मामले। पंद्रह से 18 साल के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन का टीका ही दिया जाए, भारत बायोटेक ने की अपील। गोरखपुर से व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत, मामले में सीबीआई की कार्रवाई, 6 आरोपियों पर आरोप पत्र दायर। कोरोना संकट के बीच 10 जनवरी से भक्तों के लिए बंद रहेगा जगन्नाथ मंदिर। कुशीनगर में नगर पालिका अध्यक्ष ने वितरित किए कंबल, मास्क, सैनिटाइजर का भी किया वितरण। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के निस्तारण हेतु निरीक्षण भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षणिक सत्र पर ब्याज इमदाद योजना और नया सवेरा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अभ्यर्थी और विद्यार्थी के लिए निशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना जैसी योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है कि मदरसों के प्रत्येक छात्रों के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, समाज के विकास के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कुरान की शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की भी शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्नाव से विधायक थप्पड़ कांड के वीडियो वायरल होने के कुछ ही देर बाद विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विधायक के साथ थप्पड़ मारने वाले किसान भी मौजूद रहे। विधायक ने पूरे मामले को लेकर कहा कि थप्पड़ मारने वाले किसान उनके चाचा के समान हैं। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि गलत तरीके से वीडियो को वायरल किया जा रहा है, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। सदर विधानसभा में विरोधियों को कोई प्रत्याशी भी ढूंढे नहीं मिल रहा है, इसलिए इस तरह के उच्चक्र रचे जा रहे हैं। साथ ही वहीं मौजूद किसानों ने कहा कि उसने प्यार से विधायक को टीप मारी थी। चल रहा है जिसमें आप विधायक को टीप मारते हुए देख रहे हैं, क्या मामला है? क्या आपने थप्पड़ मारा है क्या विधायक को? नहीं, थप्पड़ नहीं मारा। तो क्या आप ऐसे ही मार देते हैं कभी, और भी कभी इस तरह चलता है? 50 दा मारा है इनका भी, इतना 8 दा मारा है, 500 दाम मारा है इतना। लोग बता रहे हैं कि आप नाराज थे विधायक से, कोई अन्ना जानवर को लेकर मामला था इस वजह से? हमारे की कहो, हमारे तो समझ दो, हमारे का कहो विश्वास दाम दे दिया, हमारा उनका हम मारा। क्या किया था आपने उस दिन? उस दिन की क्या किया था उस दिन आपने? उन्होंने कुछ नहीं किया, मोड़िए से लचा रहे हैं तो हम बैठ सकता काहे बउआ कहा बैठो, उन लोग मोड़ी लचा रहे हैं। विधुना से है जो भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी पदाधिकारी अनशन और धरने पर 12 दिनों से बैठे हैं, जिसमें 6 तारीख को किसानों ने अपने खून से लिखकर एक ज्ञापन एसडीएम को दिया, लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह पहुंचे, जहां किसानों ने धान खरीद में धांधली कर आरोप लगाने जाने के साथ ही किसानों पर फर्जी मुकदमा लिखे जाने की भी बात कही है। ये है, हम सुन रहे थे, मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हम सुन रहे थे कि औरैया में जो धान खरीद हो रही है उसमें दिबियापुर के कोई एसएमआई खरीद रही, वो बड़ा उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि न तो किसानों के धान लेते हैं और धान लेते हैं व्यापारियों के जो उनको पैसा देता है उनके। तो बार बार सुनने के बाद हम चले गए लखनऊ, कल हम लखनऊ थे अब हमें समय दिया था आज का माननीय मुख्यमंत्री ने मिलना और बात बताना, लेकिन यहाँ इन्होंने धरने पर बुलाना हमें समझा, तो हम कल मिलेंगे, और कल एसएमआई हो चाहे कोई हो, पूरे प्रशासन जिसने औरैया में
किसानों की लूट मचाई है और जिन्होंने लूट के बाद उनको दबाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए, उन सारी शिकायतों को माननीय मुख्यमंत्री से करूंगा और ये कहूंगा कि ऐसे अधिकारी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आपकी छवि उत्तर प्रदेश में खराब। महोबा में समाजवादी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जन संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची, जहां उन्होंने पीएम की सुरक्षा में लापरवाही मामले में जांच की बात कही है। वहीं सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा गया है। उन्होंने बीजेपी पर अपराध बढ़ाने और माफियाओं को लेकर कमल छाप दूरबीन से माफिया को ना दिखाई देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सपा सांसद शफीकुर रहमान का आजम खान पर दिए गए विवादित बयान पर माफी भी मांगी है। मैं योगी जी को सुनती नहीं हूँ, मैं जनता को सुनती हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनती हूँ। इस बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की जो कठिनाइयाँ हैं, उसमें कहाँ योगी जी को ये सब टिप्पणी करने का समय मिल जाता है। थोड़ा दफ्तर में बैठ के काम कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकलें, अधिकारियों की विकास मिशन के अंतर्गत दो दिवसीय औद्योगिक मेला गोष्ठी का आयोजन उप कृषि निर्देशक कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें उद्यान कृषि, मत्स्य पशुपालन, दुग्ध विकास बैंक, कृषि विज्ञान केंद्र, वन विभाग आदि द्वारा विभागीय स्टॉल लगाकर मेले में आने वाले किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही सांसद हेमा मालिनी के द्वारा फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉल का अवलोकन करते हुए मेले में किसानों द्वारा लगाए गए उत्पादों की सराहना की गई। सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि सभी किसानों को मेले में बताई जा रही विभिन्न तकनीकों को अपनाकर उसका लाभ प्राप्त करने एवं खेती के साथ साथ उससे जुड़े अन्य कार्यों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही मेले में उपाध्यक्ष सिंचाई बंधु सुधीर रावत ने भी किसानों की समस्या और उनके समाधान से अवगत कराया गया। तो वहीं ग्लोबल संसाधन आगरा से मेले में आए जेसी शर्मा द्वारा उद्यान फसलों और प्रसंस्करण से संबंधित उत्पादों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिला उद्यान अधिकारी जगदीश प्रसाद द्वारा मेले में आए सभी किसानों का स्वागत करते हुए विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। किसानों को विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत भी कराया गया। कुशीनगर में बढ़ते शीतलहर को देखते हुए पिछले वर्षों की भांति इस साल भी नगर पालिका परिषद पडरौना अध्यक्ष विनय जायसवाल के निर्देशन में उनके प्रतिनिधि मनीष जायसवाल द्वारा नगर पालिका के जलकल भवन परिसर में समस्त सफाई कर्मचारियों को ठंड से बचाव हेतु कंबल, स्वेटर और विंड चीटर और कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया गया। अपने संबंध में उन्होंने बताया कि सफाईकर्मी नगर की सफाई व्यवस्था की रीढ़ के समान होते हैं, जिनका ख्याल रखना नगर पालिका का पहला कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष जायसवाल के अध्यक्ष पद के कार्यभार संभालने के साथ ही हर साल सर्दियों में सफाईकर्मियों को गर्म कपड़ों के लिए निःशुल्क वितरण के समय नियम को लागू कर दिया गया था। तो सभी सफाई सेवकों को इस ठंड से बचाव को देखते हुए सभी सफाई सेवकों में चीटर, स्वेटर और कंबल का वितरण किया जाता है। जो हमारी महिला सफाईकर्मी हैं, इन लोगों में कार्डिगन दिया जाता है, उसके साथ उनको कंबल भी वितरण किया जाता है। क्योंकि आप जान भी रहे हैं कि ठंड का प्रभाव बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है, बढ़ भी रहा है, उसके तहत इन लोगों को, क्योंकि समाज की गंदगी की सफाई का कार्य इन लोगों के द्वारा किया जाता है, तो पहले इनको मास्क दिया गया है और सभी सफाई सेवकों में उनको बताया भी गया है कि जहाँ भी आप लोग सफाई करने जा रहे हैं मास्क पहन के सफाई करिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर भी चल रही है, इसको देखते हुए उनको मास्क का भी प्रयोग। दबंग के चुलबुल पांडे से लेकर सिंघम, तलाश और सिम्बा तक इन सभी फिल्मों में अपने कुछ कॉमन देखा होगा और वो है पुलिस वालों की मूछें। दरअसल मूछों को पुलिस वालों के रौब और गौरव से जोड़कर देखा जाता है। यूं कहें कि पुलिस वालों की
पर्सनैलिटी में मूछे चार चांद लगा देती हैं, तो गलत नहीं होगा। हरदोई में भी मूछ के लिए एक रंगरूट को एसपी ने सम्मानित किया है। जी हां, हरदोई की पुलिस लाइन में नए रंगरूटों मूछों के लिए एसपी ने सम्मानित किया है। हरदोई के एसपी राजेश द्विवेदी ने प्रियांशु नाम के इस नए रंगरूट रिक्रूट को उसकी शानदार मूछों के लिए अलग से सम्मानित किया है और मूछों को इसी तरीके से शानदार बनाए रखने के लिए निर्देशित भी किया है। मूछों की वजह से सम्मान पाकर प्रियांशु राम का ये नया रिक्रूट काफी खुश है। प्रियांशु ने ड्यूटी के साथ साथ मूछों का भी ख्याल रखने की बात कही है। खबर संभल से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस अधीक्षक जनपद संभल चक्रेश मिश्र के कुशल निर्देशन में थाना धनारी पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जिसमें 10 अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। साथ ही पकड़ा गया अभियुक्त पप्पू के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। थाना धनारी की पुलिस के द्वारा आज एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। इसमें कुछ 5 बने हुए व 10 अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं, 5 जिंदा कारतूस, साथ में तमंचे बनाने का सामान बरामद किया गया है। एक अभियुक्त, इसका नाम पप्पू, जो ग्राम कीरतपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ में एक अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। संभल पुलिस के द्वारा इस तरह की लगातार अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। संभल से खबर सामने आई, जब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस अधीक्षक जनपद संभल चक्रेश मिश्र के कुशल निर्देशन में थाना धनारी पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। मुबारक, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ बरामद हुआ है पुलिस को? थाना धनारी क्षेत्र में एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और दूसरी तरफ चुनाव को लेकर जो पुलिस चेकिंग कर रही है, चेकिंग के दौरान जो अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है और एसपी चक्रेश मिश्रा महोदय ने बताया है और उनको जेल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़े थे। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क मंडी गेट के सामने ट्रक और मोटर बाइक की टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार युवक की ट्रैक के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। मौके की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई। अलीगढ़ से ही खबर सामने आ रही है, जहां पे ट्रक और बाइक के भीषण टक्कर हो गई और ट्रक के नीचे आने से व्यक्ति की मौत हो गई मौके पर ही, और जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने ट्रक को हिरासत में लिया और आगे की जांच में जुट गई। अलीगढ़ से ये एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क मंडी गेट के सामने की ये घटना बताई जा रही, जहां पे ट्रक और मोटर बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की ट्रक के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। और सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने ट्रक को हिरासत में लिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई। अलीगढ़ से ये तेज रफ्तार की कहर की खबर सामने आ रही है, जहां व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।